इस बार रहेगी। राजो बार इस अगली बार 2023 में मर्डर होने के कारण इस बार हम लोग स्थगित किए हैं। पिछली बार जो हत्या हो गया था उस हत्या के कारण अभी भी मतलब अमन शांति नहीं है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अब की बार त्यौहार ना मना करके 2025 में फिर मनाया जाएगा। डीजे और धारदार हथियार को लेकर इस बार क्या निर्णय लिया गया है? देखिए डीजे तो ऐसे भी बैंड है और हम लोग तो कभी इसको रोकने का हमेशा प्रयास किए हैं और इस बार 100% मुझे लगता है कि डीजे नहीं बचेगा। नमस्कार, मैं ठाकुर जी, आप देख रहे हैं भरवारा न्यूज। अभी मैं आ चुका हूँ सिंहवाड़ा थाना परिसर में, जहाँ आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। वहीं शांति समिति की बैठक में राजो पंचायत के मुखिया पति ने बताया कि इस बार राजो में नहीं मनाया जाएगा मुहर्रम, ऐसा क्यों? वहीं सदर SDPO ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको हम सुनाते हैं, बने रहे हमारे वीडियो में। इसमें यही निर्णय लिया गया है कि वॉलंटियर पहले तो शांति व्यवस्था से सारा कार्य हो जाए, कहीं भी किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। जो इससे पहले भी कोई अप्रिय घटना घटी थी वो सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया गया है और लगता है कि इस बार भड़वाड़ा में ये सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में शांतिपूर्ण। मैम डीजे पे क्या रहेगा सर, रोक रहेगी? बिल्कुल बैंड है और हथियार पे, हथियार पे भी रोक। सामाजिक तत्वों पर इस बार आरोप किस तरह से नजर रखी जाएगी? हम लोग अभी तो पूरे नजर रखे हुए है ही है, आप देख रहे हैं, और फिर भी जो भी शांति समिति की बैठक में लोगों को 35 संख्या में लोग आए और अपना बात रखे। इस जुलूस का जो रूट तय किया गया है वो किस तरीके से कौन कहां तक जाएगा? सभी का जुलूस का एक निर्धारित रास्ता है और उसी के आधार पर जो उन्होंने लाइसेंस मिलेगा उसी के आधार पर उनको रूट चार्ट के आधार पर वो अपना लाइसेंस और अपना ताजिया निकालेंगे। जुलूस संपन्न और समाप्त की क्या टाइमिंग रहेगी? सबकी अलग अलग टाइमिंग है, आने का सबका निर्धारित टाइम है, उन्होंने जो भी लिखा है अपने लाइसेंस में, जो जिस आधार पर लाइसेंस मिला है उनको पालन कराने का पूरा उन्होंने दायित्व दिया गया है और बोले हैं कि हम लोग भी लगे हुए हैं। मैम राजो को लेकर क्या है इस बार? राजो में कहा गया है कि उनको इस बार नहीं निकालेंगे और अभी बता रहे हैं अपना लीक कर देंगे। राजो में नहीं निकले? हाँ राजो में नहीं निकले। डीजे और धारदार हथियार को लेकर इस बार क्या निर्णय लिया गया है? देखिए डीजे तो ऐसे भी बैंड है और हम लोग तो कभी इसको रोकने का हमेशा प्रयास किए हैं और इस बार 100% मुझे लगता है कि डीजे नहीं बचेगा। अब बेंजो वगैरह जो भी है वो अलग अलग तरीका है सेलिब्रेट करने का, और जो पहले से डीजे इतना ज़्यादा चल रहा था लोग बजा रहे थे, हम लोगों ने कई डीजे सीज भी किए गए हैं और उन पर रोक लगाने का पूरा प्रयास। अगले मुहर्रम की बात शांति समिति की बैठक में आए हुए थे, क्या कुछ निर्देश मिला आज यहाँ? अच्छा मिला, जो भी है हम लोग जो है बहुत शांति से वहाँ पे पर्व निभाते हैं। गैर मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, हम लोग एकजुट होकर वहाँ पे खेलते हैं और बेहतरीन से अखाड़ा को जो निभाते हैं। प्रशासन की जरूरत हम लोग को बहुत कम पड़ता है, वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि भाई आप लोग बैठ के रहिए, हम लोग जो है जहाँ तक होगा वहाँ तक बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेके नैया पार लगा देना। तो डीजे को लेके क्या कुछ निर्देश मिला यहाँ? डीजे के लिए डीजे तो बंद करने के लिए आदेश दे रहे हैं, लेकिन त्योहार है उसमें नहीं डीजे, तब बिंजुए सही। बिंजु के लिए तो अप्रूवल है, क्या बिंजु ले जा सकते हैं, बजा सकते हैं? जो अखाड़ा खेलते हैं जो नौजवान हैं उनको क्या संदेश रहेगी आपके? संदेश यही रहेगा कि भाई डीजे पर जो है कंट्रोल रहे, समझ में, जिससे विद्रोह नहीं हो और मिलजुल के जो है सब आदमी अपना अपना त्योहार मनाइए। हम लोग तो कोशिश करते हैं ना, मतलब जैसे ये मुस्लिम का त्योहार जो है मुहर्रम है, लेकिन दुर्गा पूजा हुआ, रामनवमी हुआ, सब में हम लोग एकजुट होके खेलते हैं और सब में भाग लेते हैं। हमारा नाम हुआ अब्दुल माजिद भरवारा कागजी मल्ला। हम लोग को ये निर्देश मिला है कि आप लोग जो रवायत रहा है, जो परंपरागत तौर से जैसे रहा है मनाया जाता है मुहर्रम, इसको आस्था के साथ मनाइए और शांति पूर्वक मनाइए, किसी दूसरे लोगों को आपके जुलूस से कोई तकलीफ नहीं हो। ये ब्रीफिंग खास तौर से हिदायत दिया गया है कि जुलूस में कोई युवा लड़का दारू शराब पी के या किसी तरह का मतलब घातक हथियार के साथ न हो। हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि सर इस तरह का नहीं होगा, अगर कुछ होता है तो आप स्वतः आप ये हैं,
आप ऐसे लोगों को कुछ चिन्हित करके कार्रवाई कर। निर्देश की बात की जाए तो इस बैठक में किस प्रकार का निर्देश आपको मिला? निर्देश सबसे बड़ा निर्देश ये दिया गया है कि चूंकि पिछले बार कुछ जिला में कुछ जगह अपनी घटना प्रशासन ने इसको बड़े गंभीरता से लिया है और यह है कि किसी भी परिस्थिति में शांतिपूर्वक हो, कोई भी असामाजिक तत्व या अराजक तत्व किसी तरह का बेहरमती नहीं करे, कोई अप्रिय घटना नहीं हो और पूरा प्रयास इसी पे प्रशासन की बात की जाए तो क्या कुछ पुराना रूट रहेगा या नई रूट? नहीं नहीं नहीं, जो रूट हर साल रहा है कोई नया रूट नहीं दिया गया है। और रूट के संबंध में एक बात हम लोगों ने प्रशासन के सामने मांग रखा है कि अभी बरसात है और कई जो पूर्व से रूट रहा है पुरानी बाजार का प्रताप चौक पोस्ट ऑफिस से सब जो गड्ढा है पानी रोड पे है, इस संबंध में इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसका कोई वैकल्पिक प्रयास करेंगे, पानी को हटाएगा। आखिरी सवाल, डीजे पे जो निर्देश देते हुए तो सर कि डीजे पे इस बार पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तो उस पे आप किस प्रकार? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, उसके जगह पे हम लोगों को कहा गया मौसक बाजा, ढोल ताशा, बिंजू बाजा, ये सब कीजिए, हम लोगों ने भी आश्वासन दिया है। कुछ रूट मैप के बारे में बताएंगे कैसे कैसे? ये भरवा विशेष तौर से भरवारा का रूट है जो रजा चौक है, वहाँ पे चार जगह से लोग आते हैं, रन लगाते हैं, जिसमें हाथू मसपट्टी भरवारा का जो टोला मोहल्ला है, कागजी मोहल्ला। और रूट ये रहेगा कि जो आता है रजा चौक से बौका चौक, बौका चौक से जो है ये सुनील जी का घर है, सुनील ठाकुर जी के घर है, वहाँ से राधा कृष्ण मंदिर होती है, पुरानी बाजार होते हुए पोस्ट ऑफिस होते हुए जो रूट रहा यही है, दो ही रूट है, बाकी टोला मोहल्ला का छोड़। नौजवानों को क्या निर्देश रहेगा? नौजवानों को बहुत सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी तरह से नशा पान में या किसी तरह से भी कोई गलत गतिविधि करेंगे हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो क्या कुछ शांति समिति में? शांति समिति में बैठक में लगातार इस बात का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जाता है कि कोई अप्रिय घटना घटने से पूर्व जो है उसकी तैयारी कर ली जाए और निश्चित तौर पर सिंहवाड़ा में शांतिपूर्ण ढंग से जो है सुविधा त्योहार जो मुहर्रम का चल रहा है वो होगा, जिसके लिए जो प्रशासन भी अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रही है और उनका यही उद्देश्य है कि कहीं कोई समस्या है, कोई बात है तो आप हम लोग के बीच में रखिए ताकि समय से पूर्व उसका जो है सो हम लोग निष्पादन कर दें। और इसीलिए जो है सो इस बार जो है सो जहाँ जहाँ अखाड़ा है, जहाँ जहाँ जुलूस निकलेगा वहाँ वहाँ जो है सो 20-20 आदमी का कमिटी के तौर पर आधार कार्ड लिया जाता है ताकि वे अपने देख रेख में जो जुलूस को ले जा सके और पर्व त्योहार को जो सो खुशी खुशी जो मनाने का काम होता है उसको भी मनाने का काम करे। वैसे यह गर्म का महीना है, गर्म का त्योहार है, इसके भी मद्देनजर रखते हुए आगे के लिए दोस्तों अपनी सोच बनाते हुए इसे लोग जो है सो निश्चित तौर पर भाईचारा का माहौल बना के आगे काम करने का। डीजे को लेके क्या निर्देश मिला? डीजे को लेके एकदम स्पष्ट निर्देश प्रशासन के साथ साथ हमारे जो उच्चतम न्यायालय है वहाँ का निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में डीजे का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम आप लोग के माध्यम से अपील करते हैं कि डीजे कम से कम जो है सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में भी इसका जो पालन होना चाहिए, डीजे किसी भी परिस्थिति में जो है नहीं रहना चाहिए। उसमें इन लोगों ने स्पष्ट रूप से जो है सो कहा है कि आप लोगों को अगर कुछ चेंज करना है तो आवेदन दीजिए, दिया जाए और उसको प्रशासन अपने स्तर से देखेगा, अगर आवश्यकता अगर पड़ेगी तो रूट को चेंज किया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी मामला भी हम लोग के बीच में यहाँ पर शांति समिति की बैठक में कोई रूट पर कोई चर्चा या कहीं कोई समस्या पर बात नहीं हुई। अच्छा, आप अपने स्तर से अखाड़ियों को क्या कुछ संदेश दीजिएगा शांति को? हम अखाड़ियों को अखाड़ा जो खेलते हैं उनको यही कहेंगे कि भाई ये महीना जो ये मुहर्रम हराम का महीना है, इस महीना में जो है सो जो हमारे पैगंबर साहब के द्वारा जो कहा गया था उसको हम लोग पालन करें और निश्चित तौर पर जो है सो हम लोग कुछ गलत ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारे जो है सो जिस धर्म को हम लोग मानते हैं उस पर जो है सो कहीं से भी आँच आवे और जिन जिनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलने में कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी को हमसे कष्ट हो, किसी को हमसे परेशानी हो, कोई ऐसा काम हम नहीं करें जो किसी दूसरे को हमसे परेशानी का सामना करना पड़े। इसीलिए हम चाहेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है सो और भाईचारा का माहौल बनाते हुए जो परंपरागत ढंग से काम करते हुए आ रहे हैं, खेलते हुए आ रहे हैं, उसको निभाने में जो है सहयोग करें तमाम लोग, तमाम बुद्धिजीवी लोग। नौजवानों से अपील करना चाहेंगे कि निश्चित इसमें जो सहयोग करें, यही हम उससे आपके द्वारा सहयोग करेंगे। इस बार रहेगी राज्य बार इस अगली बार 2023 में मर्डर होने के कारण इस बार हम लोग स्थगित किए हैं, 2025 में यथावत हम लोग फिर सोचेंगे बनाने। क्या कुछ निर्देश रहेगा आपको?
गांव वाले से हम लोग मिलजुल के रहेंगे, शांति पूर्वक हम लोग त्यौहार जो होता है मनाया जाएगा। हम लोग के पंचायत में रामपट्टी में बनेगा, सोनापुर बुजुर्ग में बनेगा और राज्यों में स्थगित रहेगा। इसमें क्या कुछ निर्देश रहेगा नौजवानों पर? नौजवानों से ये कहना है कि भाई हम लोग मिलजुल के एक त्यौहार है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मिलजुल के खेले और शांतिपूर्वक रहे। क्या कुछ निर्देश मिला है थाना से? थाना से निर्देश मिला कि शांतिपूर्वक आप लोग इसको थोड़ा गार्डिंग करके देख सुन के अपना लोग शांतिपूर्वक खेले, किसी तरह का विवाद नहीं हो, आपसी माने समझौता के तहत हम लोग जैसे बनता है बना के खेलेंगे। आप अपने बारे में बता दीजिए। शाहनवाज अहमद उर्फ बाबर, मुखिया प्रतिनिधि राजो। ठीक है, बैठक में आए तो क्या कुछ निर्देश दिया गया है यहाँ? निर्देश यही दिया गया है जो शांतिपूर्ण मुहर्रम का तजिया रन से बढ़िया ढंग से खेल खुल करके अपना वापस हो और समाज में शांति बने रहे, किसी भी सामुदायिक विशेष और जात विशेष का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और हम सभी लोग जितने लोग आए थे यहाँ, जैसे अभी हमारे एक जीके साहब भी हैं और हम हिंदू मुसलमान सब मिल करके इसको एकता के साथ उस पर्व को जो है सो संपादन करेंगे, निष्पादन कर देंगे। नौजवानों को क्या संदेश रहेगी? नौजवानों को यही संदेश रहेगी कि नौजवान अपने होशो हवास में रन तक पहुँचे और अपने हर एक बुजुर्ग, हर एक पिछड़े हुए लोगों को शांतिपूर्ण उसे हाथ पकड़ के रन तक ले जाए और उसे बनिया से तजिया का फंक्शन दिखा, तजिया का फंक्शन में त्योहार मनवा कर, और यह याद रखे जो जो कहीं लड़खड़ा रहा है उस सबको हम बारी बारी से उसके घर तक पहुंचा दें। अगर अपने बात की जाए तो किस प्रकार की शांति का अपील करते हैं? शांति का अपील यही करते हैं जो कि यह शांति और सद्भावना का त्योहार ही है, इसलिए संपूर्ण शांति तो शांति होती है, शांति तो शांति होती है, तो शांति का कोई प्रकार नहीं होता है, शांति खुद एक प्रकार है। आप अपने बारे में बता दीजिएगा। हम उदय नारायण मिश्र, ग्राम पंचायत कटका, सरपंच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ रहेगा इस बार राजो में? राजो में हम लोग अब की बार त्योहार जो है हम लोग नहीं मना रहे हैं, और पिछली बार जो हत्या हो गया था उस हत्या के कारण अभी भी मतलब अमन शांति नहीं है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अब की बार त्योहार ना मना करके 2025 में फिर मनाया जाएगा। क्या कुछ निर्देश रहेगा आपका? निर्देश रहेगा कि आज देख रहे हैं हालात, मतलब झगड़ा लड़ाई की वजह से हालात बिगड़ गया, जिसकी वजह से अब की बार हम लोग लाइसेंस वगैरह भी नहीं लिए। अब फिर अमन शांति होगा तो फिर हम लोग अगला त्यौहार मनाएंगे। नौजवानों को कैसे यकीन दिलाएंगे? नौजवानों से हम लोग यही यकीन दिलाएंगे कि भाई आप लोग आपस में विवाद न करें और शांतिपूर्ण त्यौहार मनाएं, और किसी से विवाद न करें, जो गिर रहा है उसे उठाएं, सहारा दें, और क्योंकि वो आपका भाई है आप उसकी मदद कीजिए, इसलिए हम चाहेंगे कि अमन शांति से त्यौहार हो। देखिए, प्रशासन से दिशा निर्देश है कि डीजे नहीं बजाना है, धारदार हथियार का प्रदर्शन नहीं करना है, किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं फैलाना है, शांतिपूर्वक जिस तरह से हम लोग पहले से पर्व त्यौहार को मनाते आ रहे हैं, मुहर्रम को लोग मनाते हुए आ रहे हैं, पर्व की गरिमा को बनाए रखते हुए उसी तरह से शांतिपूर्वक मनाना है, जिसमें सभी लोगों को सहयोग करना है। अगर शांति की बात की जाए तो किस प्रकार की शांति का अपील करते हैं आप अखाड़ियों से? अखाड़ियों से यही अपील है कि जैसे आप लोग हर वर्ष, खासकर जो हमारे पंचायत में मोहनपुर अखाड़ा है, हर वर्ष जैसे मनाते हुए आ रहे हैं, उसी तरीका से भाईचारा को कायम रखते हुए, आपसी द्वेष को दूर रखते हुए, पर्व की गरिमा को बनाए रखते हुए सभी लोग शांतिपूर्ण होकर त्यौहार को मनाएं। अगर रूट की बात की जाए तो क्या पुराना रूट रहेगा या कुछ इस मर्तबा कुछ नया रूट का? देखिए, रूट तो लगभग पुराना ही है, वैसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं सभी लोगों से, अगर कुछ बदलाव करना होगा तो सब लोग बैठ के कर लेंगे, अभी 3-4 दिन समय है। चूंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि, अपने पंचायत के जो लोग हैं, जो अखाड़िया, उनको अपने स्तर से क्या कुछ दिशा निर्देश दीजिएगा? बिल्कुल, हम लोग हर वर्ष एक बैठक रखते हैं सभी लोगों के साथ में मिलकर, इस वर्ष भी हम लोग रखेंगे और जो वहाँ की स्थानीय समस्या है उसको निपटारा करते हुए, अगर जरूरत पड़ी तो प्रशासन का सहयोग लेते हुए सब चीज़ अच्छे से हम लोग करेंगे। आपका पूरा कुमार किसले, मुखिया कटका पंचायत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।